आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, सुबह शाम दोपहर जब भी हमें टाइम मिले तब भी पढ़ना चाहिए। अगर हम रामायण नित्य ना भी पढ़ सकें तो हमें शनिवार और मंगलवार के दिन तो सुंदरकांड का पाठ निश्चित ही करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ करने से राहु केतु और शनि तीनों ही देवता जो है वो माने क्रोधित नहीं रह पाते हैं, उनको शांत रखता है। हनुमान जी का सुंदरकांड उनको शांत रखता है। इसी उद्देश्य से मैं आपको बता रही हूँ कि सुंदरकांड कैसे शुरू करना चाहिए। हमें हनुमान जी या रामचंद्र जी की मूर्ति को स्थापित कर लेना चाहिए और एक दीपक जला लेना चाहिए और जो है हो सके तो अपने घर के मंदिर में बैठकर ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। नहीं हो सके तो आप किसी भी स्थान पर कर सकते हो, हनुमान मंदिर में भी जाकर आप कर सकते हो। तो सुंदरकांड का पाठ स्थापित करने के लिए हमें एक स्वच्छ कपड़ा बिछाना चाहिए, उसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए, हमें दीपक जलाना चाहिए और दीपक भी ना जला सकें तो हमें अगरबत्ती लगा लेना चाहिए और हमें हनुमान जी का और रामायण का रामचंद्र जी का सबका आवाहन करना चाहिए। पहले हमें उनको बुलाना चाहिए, फिर हमें उनका सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद हमें भोग लगाना चाहिए, भोग लगाने के बाद हमें आरती करना चाहिए और आरती करने के बाद हमें उनका विसर्जन करना चाहिए कि अब आप अपने अपने स्थान पर जाओ। इतनी प्रक्रिया करके हम अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पाठ भी पूरा ही करना चाहिए तो हमें उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में मैं समय को व्यर्थ बेकार ना करते हुए मैं आज आपको आवाहन सुंदरकांड का आवाहन सुना रही हूँ। सियावर राम पद जय शरणम जय जय सिया राम। अब मैं आपको एक छोटा सा संपुट लगा रही हूँ। संपुट आप चाहें तो लगा भी सकते हैं और ना भी चाहें तो ना लगाएं। हम लोग जब मंदिर में सुंदरकांड करते हैं तो वहाँ पर छोटा सा एक संपुट लगा लेते हैं। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो, जही सुमिरत सिद हो गण नायक करी बर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होए बाचाल पांगु चढ़ाए गिरी बर गान जासु कृपा सो दयाल द्रबाहु सकल कली मल डन हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारज नयन करहु सुम में उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देह उमार मन करुणायन जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदऊ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयऊ खलबल सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित
हनुमते डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। बंदौ बारुद वेद भव बारड लोहन सर से जे नहीं न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसर जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जन कीन चहें संत सुधा ससुधेन प्रगटे खल बिस बारुनी मारुनी। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। बुविध भी प्रबुधि ग्रह चरण बंद करं कर जोर होय प्रसन्न पूरे बहु सकल मंज मनोरथ मोर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद बिछरत दीन दयाल ब्रिप्रतनु इव परिहरऊ। बंदौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसऊ राम सर चाप धरे। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। रामायण तुलसी कृत कृपा करूं अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम्हें आए सुआ राम कथा के रसिक तुम्हें आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कबीर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। तुलसीदास की जय। रामायण मैया की जय। हमारा आवाहन यहीं तक होता है और हम आवाहन को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरकांड की जय। हमें इस तरह से जो है अपने सुंदरकांड में हनुमान जी का और सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। धन्यवाद।